दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं है तो आपको विटामिन D3 ड्रॉप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को दबा दीजिए। दोस्तों विटामिन D3 ड्रॉप है तो 30 ml के पैक में मार्केट में अवेलेबल है। 30 ml पैक की प्राइस की अगर हम बात करें तो 77 रुपये 28 पैसे इसकी प्राइस है। और यह है तो सिप्ला कंपनी का ब्रांड है और कंपनी ने इसके अंदर विटामिन D3 यानी के कोलेक कॉल्सिफेरॉल डाला हुआ है। चलिए दोस्तों इसके यूजेस साइड इफेक्ट सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि आप जब भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। चलिए इसके यूजेस साइड इफेक्ट देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर कंपनी ने विटामिन D3 डाला है, यानी कि अगर आपके बच्चे में विटामिन D3 की कमी है तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके बच्चे की तो हालत बन नहीं पा रही, यानी कि उसकी बॉडी ठीक से बन नहीं पा रही, कितना भी खाए उसको पचता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप है तो विटामिन D3 ड्रॉप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके बच्चे में की हड्डियां कमज़ोर है, उसमें खून नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप है तो विटामिन D3 का ड्रॉप अपने बच्चे को लगा सकते हैं, दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कंपनी ने इसके अंदर जो एक कांच की बॉटल में विटामिन का ड्रॉप डाला हुआ है और उसके साथ आपको ड्रॉपर मिलता है। तो दोस्तों अगर बच्चे को प्रॉपर विटामिन D3 नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में आप है तो विटामिन D दे सकते हैं। उसी के साथ साथ इस ड्रॉप से आपके बच्चे की बॉडी भी अच्छी बनेगी और वो हेल्दी रहेगा। उसी के साथ साथ उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी। और दोस्तों आपको बता दूँ अगर आप कुदरती तौर पर विटामिन D3 ले अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो उसको है तो सुबह के धूप में बैठाना चाहिए कुछ देर तक, तो उसको है तो विटामिन D3 मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ यूज़। दोस्तों इस ड्रॉप के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपके बच्चे को इससे है तो नौशिया वोमिटिंग, ज़्यादा पिलाने के बाद आपके बच्चे को नौशिया वोमिटिंग, उसी के साथ साथ डिजीनेस और डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है। और दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपको है तो अपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक इसका डोज लेना है, यानी कि डॉक्टर ने जितना बताया है उतना डोज आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों यह है तो एक बच्चे का ड्रॉप है, इसीलिए आपको तो डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसको लेना है। तो दोस्तों यह था एक छोटा सा रिव्यू विटामिन D3 ड्रॉप के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप कौन सी मेडिसिन की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।